1.32 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट वाज डिसॉल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज मेड अप टू 250 ml। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट का 1.325 ग्राम लिया गया, 1.325 ग्राम लिया गया और इसे पानी में डाल दिया गया 250 ml वाटर। यहाँ से 25 ml निकाला गया, तो 25 ml इसमें से अब निकाला गया, यानी कि 250 ml बना है लेकिन रिएक्शन के लिए केवल 25 ml निकाला गया। और 25 ml निकाल करके फिर इसको क्या किया गया, 20 ml H2SO4 से रिएक्शन करा दी गई, 20 ml H2SO4। यहाँ पर 20 ml H2SO4 है, इससे रिएक्शन कराई गई है और 20 ml रिएक्शन, जब 20 ml H2SO4 से रिएक्शन कराई गई है, फाइंड आउट नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू 450 ml ऑफ दिस एसिड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। अब इसका, इसी एसिड का 450 ml अलग से ले लिया गया, 450 ml सेपरेटली ले लिया गया और इसमें पानी डाल दिया गया, VML वाटर डाल दिया गया और इसके बाद इसकी जो नॉर्मलिटी है वो N अपॉन 12 आ गई। तो एक तो इसकी नॉर्मलिटी निकालनी है और एक V की वैल्यू निकालनी है। एक इसकी नॉर्मलिटी निकालनी है, यानी नॉर्मलिटी ऑफ दिस H2SO4, एक तो ये निकालना है और एक इसके 450 ml में जितने ml पानी मिलाया गया है उसे निकालना है। चलिए देखते हैं, आपको सबसे पहले इसकी नॉर्मलिटी निकालनी चाहिए। नॉर्मलिटी ऑफ Na2CO3, इसका मास 1.325, इसका इक्विवेलेंट मास 53 होता है, वॉल्यूम 250 है इनटू 1000, यहाँ से 4 आ जाएगा। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 4 2 8, 2 10, 4 3 12 और 1 13 और 4 1 4 और 1 5, ये आएगा और यहाँ पर पॉइंट लगेगा और 53, तो ये 1/10 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए Na2CO3 की जो रिएक्शन होती है वो होती किससे है, H2SO4 से। देखो ना, H2SO4 से नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 1/10 इंटू 25 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम है वो 20 है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो 25/200, ये नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 आ गई। तो 25 5 24 20 5 8 40, यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 यहाँ से जो आएगी 1/8 आ जाएगी। एक पार्ट आपका हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये N/8 H2SO4 है, इसका कितना ml है, 450 ml है, इसमें हमने VML वाटर मिला दिया और VML वाटर मिला करके ये 450 + V ml हो गया और N/12 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, MEQ बिफोर, MEQ आफ्टर, पानी मिलाने से पहले 1/8 450, पानी मिलाने के बाद 1/12 450 + V, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 12, 4 2 8, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से आप V की वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, V की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, ये 450
और कॉमन ले लो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू वी आ जाएगा, तो 450/2 इज इक्वल टू वी आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन हमें बहुत हार्ड दिखता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। 67 पर चलते हैं। 9.9 ml ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ N/10 Na2CO3। 67 पर चलते हैं। 67 क्या कहता है? 9.9 ml H2SO4। यहां पर क्वेश्चन नंबर 67 पर चल रहे भाई H2SO4 है। इस H2SO4 का 9.9 ml लिया गया और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Na2CO3 के 10 ml की जरूरत पड़ी। Na2CO3 N/10 Na2CO3 है, इसकी जरूरत पड़ी है। अब जब इसकी जरूरत पड़ी है तो आगे क्या कहता है? फाइंड आउट नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 500 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन टू मेक एग्जैक्टली N/10। यानी कि अगर हम एसिड का ही 500 ml ले लें और उसमें कितना पानी डालें, उसके साथ कितना पानी डालें कि वो N/10 बन जाए। इसी एसिड का 500 ml लेंगे, वो बाद में देखेंगे, पहले इसे कर लेते हैं। H2SO4 की रिएक्शन हो रही है Na2CO3 से। नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है 9.9, 10 1/10 कैंसिल हो गया। नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 ये 1/9.9, ये 10/99 ऐसा कुछ आ जाता है। अब आप देखिए आगे क्या कहता है। जो H2SO4 है, यही H2SO4 है, इसी H2SO4 का 500 ml ले लिया गया, ये 10/99 NH2SO4 है। इसमें हमने सपोज करो VML वाटर डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका N/10 500 प्लस वी N/10 H2SO4 प्रोड्यूस हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वी की वैल्यू निकालनी, कितना पानी डाला गया था। कुछ भी नहीं है, MEQ बिफोर, तो 500 इंटू 10/99 इज इक्वल टू MEQ आफ्टर 500 प्लस वी इंटू 1/10 आ गया आंसर, वी की वैल्यू आ गई। इस तरीके से ये 67 क्वेश्चन नंबर भी सोल्व हो जाता है। अब इसके बाद 68 पर चलते हैं। 68 क्या कहता है? टू एसिड्स ए एंड बी आर टाइट्रेटेड सेपरेटली अगेंस्ट 25 ml Na2CO3 सॉल्यूशन। 68 पर चलते हैं। दो एसिड हैं, ए है और बी है, और Na2CO3 सॉल्यूशन से टाइट्रेट किए जा रहे हैं। ये Na2CO3 का सॉल्यूशन है, Na2CO3 का सॉल्यूशन है, इसके साथ टाइट्रेट किए जा रहे हैं। यहां पर एसिड ए है और यहां पर एसिड बी है, इन दोनों का की रिएक्शन कराई जा रही है इस तरीके से। एक टाइट्रेशन तो ये हो गया और एक टाइट्रेशन जो है वो ये हो गया। ये दो टाइट्रेशंस अलग अलग से हो रहे हैं, दो टाइट्रेशंस अलग अलग से हो रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है जरा उसे समझिए। 25 ml ऑफ Na2CO3 नॉर्मल Na2CO3 है, तो यहां पर इसके भी 25 ml यहां यूज हो रहे हैं, इसके लिए भी सेपरेटली 25 ml यूज हो रहे हैं।
नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसका मतलब नॉर्मलिटी वन है। द वॉल्यूम्स ऑफ ए एंड बी 10 ml एंड 40 ml, इसका 10 ml लग रहा है, 10 ml, और इसका 40 ml यूज हो रहा है, 40 ml। आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे कहना यह चाह रहा है, फॉट वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी शुड बी मिक्सड टू प्रिपेयर 1 liter नॉर्मल एसिड सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम, अब हम एसिड ए का ले, और कितना वॉल्यूम, अब देखो ये अलग कहानी हो गई, इसका हम V1 ml ले, और इसका हम V2 ml ले, V2 ml ले, और दोनों को मिलाकर के यहां पर 1 liter, 1 liter मतलब 1000 milliliter नॉर्मल एसिड सॉल्यूशन बना दें। तो ये तो बाद में होगा, पहले इनकी क्या निकलेंगी, नॉर्मलिटीज निकलेंगी। लेकिन क्वेश्चन को समझो, एसिड ए सेपरेटली टाइट्रेट किया जा रहा है सोडियम कार्बोनेट से, एसिड बी सेपरेटली टाइट्रेट किया जा रहा है सोडियम कार्बोनेट से, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इससे फायदा क्या होगा, इसकी नॉर्मलिटी निकल आएगी, यहां से नॉर्मलिटी ऑफ ए कैलकुलेट हो जाएगी, इस टाइट्रेशन से नॉर्मलिटी ऑफ बी कैलकुलेट हो जाएगी। अब दोनों को मिलाकर के ये बनाया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, एसिड का मिक्सचर आप प्रोड्यूस कर लेंगे। तो यहां पर एसिड ए की रिएक्शन हो रही है किसके साथ हो रही है, Na2CO3 के साथ हो रही है। तो MeQ इक्वल होंगे 10 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 25 इंटू 1, इसकी नॉर्मलिटी यहां पर 1 है, N का मतलब होता है नॉर्मलिटी 1। तो अब इसमें बहुत आसानी से Na की वैल्यू आप निकालेंगे 25/10, 25 पांच दूनी 10। ऐसे ही एसिड बी रिएक्शन कर रहा है Na2CO3 से, तो यहां पर भी आप निकालेंगे MeQ यानी नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कितना था, नॉर्मलिटी कितनी थी भाई पता नहीं है, Nb वॉल्यूम कितना था 40, नॉर्मलिटी 1, और ये हो गया वॉल्यूम कितना था 25 ml था, कोई दिक्कत नहीं है। तो Nb की वैल्यू आ जाएगी 25/40, 25 5 8 40, 5/800। अब इसके बाद यहां पर नॉर्मलिटी ऑफ एसिड बी जो आ गया वो 5/8 आ गया, यहां पर 5/2 आ गया। हम मिक्सचर बनाते हैं, अब मिक्सचर ऑफ एसिड्स, तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स की बात करते हैं, तो MeQ ऑफ एसिड ए क्या है, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी हमने निकाल ली 5/2, वॉल्यूम V1 लिया है, ठीक है। MeQ ऑफ एसिड बी नॉर्मलिटी 5/8 हमने निकाल ली, वॉल्यूम कितना लिया है V2। तो अब ये कितनी है, यहां पर अगर आप MeQ निकालोगे तो 1000 × 1 आएगी, तो आप कह सकते हो 1000 × 1 इज इक्वल टू 5/2 V1 प्लस 5/8 V2, एक इक्वेशन बनकर के आ गई। अब टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ये V1 प्लस V2 है, और ये किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है, इक्वेशन 2 आ गई। आप इससे V1 और V2 की वैल्यू को बहुत आराम से निकाल सकते हो, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है।
चलते हैं 69 पर। 69 क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। ये 68 था जो भी किया है आपने, ये 68 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर, 69 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। 69 व्हाट वॉल्यूम ऑफ 12 NaCl एंड 3 NaCl, दो HCl के सॉल्यूशन है, एक 12 NaCl है और एक 3 NaCl है। यहां पर एक HCl है 12 NaCl, दूसरा है 3 NaCl। व्हाट वॉल्यूम्स, इसका V1 ml ले लिया, इसका हमने V2 ml ले लिया। व्हाट वॉल्यूम्स, एक का V1 ml ले लिया, दूसरे का V2 ml ले लिया। 1 लीटर 6 NaCl, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 6 NaCl बना दिया। कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहां पर अगर आप MeQ निकालोगे, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 12 इंटू V1 आ जाएगा। यहां पर अगर आप MeQ निकालोगे, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 3V2 आ जाएगा। यहां पर अगर आप MeQ निकालोगे तो ये 1000 × 6 आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, 12V1 प्लस 3V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6000 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, V1 प्लस V2, ये आपके पास 1 लीटर है, इसका मतलब 1000 ml हो गया। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। आप चाहो तो अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से निकाल सकते हो, सब कुछ आएगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर कि क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। How much water is to be added to 50 ml 4 NaCl? 50 ml 4 NaCl to make it normal solution. कितना पानी डाला जाए, किसमें 50 ml 50 ml 4 NaCl में, 4 NaCl में कितना पानी डाला जाए, VML पानी डाल दिया जाए, जिससे कि ये क्या 50 प्लस वी एमएल नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाए, नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाए। नॉर्मल का मतलब है नॉर्मलिटी 1 हो जाए। एमईक्यू बिफोर, एमईक्यू आफ्टर, तो 50 × 4 एमईक्यू बिफोर हो गया, 50 + V × 1 एमईक्यू आफ्टर हो गया, वी की वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 70 भी हो गया। 71 पर चलते हैं। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 ml 5 NHNO3 टू ऑब्टेन नॉर्मल। अब 71 पर चलो, 71 भी इसी तरह से है। क्या है, 60 ml 5 NHNO3 है, इसमें हमने VML पानी डाल दिया, जिससे कि 60 प्लस वी एमएल नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया, नॉर्मल HNO3 आ गया, नॉर्मल टी बना गई। और क्या है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर 60 × 5, आफ्टर 60 प्लस वी × 1, ये क्वेश्चन हो गया, 71 भी निपट गया। अब चलते हैं 72 पर। 72 थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का सा करेगा परेशान। क्या है, 30 ml KMnO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज कंप्लीटली 25 ml N/10 ऑक्सैलिक एसिड। 72 में क्या है, KMnO4 है, 30 ml है और इसकी रिएक्शन 25 ml ऑक्सैलिक एसिड से कराई जा रही है। देखो इसकी फिगर भी ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर KMnO4 है,
इसके 30 ml लिए गए और इसकी रिएक्शन जो है वो N by 10 ऑक्सैलिक एसिड के 25 ml से कराई गई। ठीक है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 30 ml KMnO4 solution required 25 ml N by 10 presence of H2. Determine normality of KMnO4. What volume of water should be added to 200 ml of this solution? Normality becomes N by 20. 200 ml अगर हम इसके ले लें, दूसरे पार्ट पर कहता है कि अगर हम इसके 200 ml KMnO4 को ले लें और इसमें कितना ml कितना वाटर डालें कि इससे कितना वाटर डालें कि इससे n by 20 सॉल्यूशन बन जाए, n by 20 KMnO4 सॉल्यूशन बन जाए, ये आपको कहा गया है। तो पहले तो इसी को ऑपरेट कर लो कि KMnO4 क्या है, ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करता है। भैया जो इसकी रिएक्शन है उसके लिए टेक्निक्स आप प्लीज देख सकते हो, प्लीज देख लो, बार बार लिखना वो ठीक नहीं रहता है, टेक्निक्स के वीडियो अपलोड हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। एम ई क्यू ऑफ दिस 30 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ के एम एन ओ फोर इज इक्वल टू एम ई क्यू ऑफ दिस, तो 25 इंटू 1/10 5 × 36 5 × 25 5 × 10 तो ये नॉर्मलिटी ऑफ के एम एन ओ फोर ये 1/12 आ गई। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं। एम ई क्यू ये एन बाई ट्वेल्व आ गई बिफोर 200 इंटू 1/12 एम ई क्यू आफ्टर कितना हो गया भाई, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 200 प्लस वी ही तो होगा, तो 200 प्लस वी इंटू 1/20 आंसर आ गया, जहां कोई भी दिक्कत आपको खड़ी होने वाली नहीं है। चलते हैं 73 पर, 73 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 72 था, अब चलते हैं 73 पर। ये क्वेश्चन नंबर 72 था, अब चलते हैं 73 पर। 73 को देखते हैं, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, इसमें एक रिएक्शन गिवन है, 73 में एक रिएक्शन गिवन है। 73 ये कई बार आ चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। रिएक्शन क्या गिवन है, CaOH होल ट्वाइस प्लस H3PO4 ये बनाता है CaHPO4 प्लस 2H2O। दोस्तों हमें इसका कुछ नहीं करना है, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है। तो जरा समझने की कोशिश करिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप मानिए कि जो ऑक्सी एसिड है या जो भी एसिड है उसके सभी एच आयोनाइज हो रहे हैं, जो भी आयोनाइज हो सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन गिवन है तो फिर आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू काम करना पड़ेगा। ये सी ए ओ एच होल ट्वाइस है, ये आयोनाइज हुआ होगा, सी ए प्लस टू बनाया होगा, 2OH बनाया होगा, ऐसा आयोनाइजेशन हुआ होगा। यहां पर H3PO4 है, ये आयोनाइज हुआ होगा, 2H प्लस बनाया होगा, प्लस HPO4 माइनस 2 बनाया होगा इसने। और अब हुआ क्या होगा एग्जैक्टली, इसने इसके साथ रिएक्शन करके पानी बनाया होगा, इसने इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया होगा कोई भी, तो पानी बन गया 2H2O प्लस CaHPO4 बन गया। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल या आयोनाइजिंग लिखो, नंबर ऑफ आयोनाइजिंग H प्लस आयंस जितने आयोनाइज हो रहे हैं 2 है। अगर 2 है तो यही आपके पास रिएक्शन फैक्टर हो जाएगा फॉर H3PO4,
और अगर ये रिएक्शन फैक्टर हो गया H3PO4 के लिए, तो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 मॉलिक्यूलर वेट 98, रिएक्शन फैक्टर 249 आ जाएगा। ये 73 क्वेश्चन नंबर 73 फिनिश हुआ। 74 पर चलते हैं। 74 क्या कहता है, 1.725 ग्राम ऑफ अ मेटल कार्बोनेट वाज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ N/10HCl। N/10HCl का 300 ml है, N/10HCl का 300 ml है, और जो सोड जो कार्बोनेट है मेटल का 1.725 ग्राम है। यहां पर 1.725 ग्राम है मेटल कार्बोनेट है। कोई भी मेटल ले सकते हैं, किसी भी मेटल कार्बोनेट को ले सकते हैं, वो देखेंगे बाद में क्या है। वो 1.725 ग्राम है ये, और इसको हमने 300 ml, बहुत लार्ज अमाउंट है, 300 ml N/10HCl में डाला है। 300 ml N/10HCl में डाल दिया है। 1.725 ग्राम मेटल कार्बोनेट को 300, द एक्सेस ऑफ एसिड, जो एसिड बच गया, उस एसिड के लिए कुछ और इंतजामात किए गए, कुछ और इंतजाम किए गए। 10 ml ऑफ N/2NaOH, 10 ml N/2NaOH को डाला गया। ठीक है भाई, डाला गया। करना क्या है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो मेटल कार्बोनेट प्लस NaOH दोनों मिलकर के रिएक्शन करते हैं HCl से, तो MeQ ऑफ मेटल कार्बोनेट प्लस MeQ ऑफ NaOH ये इज इक्वल टू आता है MeQ ऑफ HCl। इसका मास कितना है, 1.725 मिलीग्राम में लेना पड़ेगा दोस्तों, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, ये तो MeQ ऑफ मेटल कार्बोनेट आ गया, MeQ ऑफ NaOH 10 × 1/2 आ गया। MeQ ऑफ HCl ये 300 × 1/10 आ गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट निकलता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये इस मेरी कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है। बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, अरे इसका मास गिवन है सॉल्यूट का, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये MeQ आया। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, अरे सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लगेगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं कि 75 क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट डिसॉल्व इन 25 ml नॉर्मल HCl। देखिए जरा, 1 ग्राम है, 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट है, 1 ग्राम को लिया गया, ये आपका मेटल कार्बोनेट है, और 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट को लेकर के HCl में डिसॉल्व किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है, HCl में डिसॉल्व किया गया है, 25 ml नॉर्मल HCl में डिसॉल्व किया गया है, 25 ml नॉर्मल HCl में डाला गया है। अब जब 25 ml नॉर्मल HCl में डाल दिया गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 50 ml N/10 NaOH, 50 ml N/10 NaOH ये डाला गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट. इफ मेटल इज डाइवेलेंट देन फाइंड आउट एटॉमिक वेट. मेटल कार्बोनेट साथ में NaOH दोनों रिएक्शन करते हैं किससे, HCl से. तो MeQ ऑफ मेटल कार्बोनेट प्लस यहां से आ जाएगा MeQ ऑफ NaOH इज इक्वल टू MeQ ऑफ HCl. ठीक है भाई, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट प्लस NaOH 50 × 1/10, HCl के लिए 25 × 1. बड़े प्यार से, बड़े आराम से मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकलेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है. मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बहुत आराम से यहां से निकल करके आएगा, बहुत इजीली निकलेगा. अब क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट ये इज इक्वल टू आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट इसकी वैल्यू कंसीडर करो कि यहां से ई आ गई भाई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और कार्बोनेट का 30 होता है, तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा. और अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू इट्स वैलेंसी, जो कि गिवन है 2 गिवन है. ये क्वेश्चन नंबर 75 भी फिनिश होता है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत बचती ही नहीं है. 76 पर चलते हैं, फटाफट कर लीजिए. 76 पर चलते हैं कि 76 क्या कहता है. 76 कहता है बच्चों 20 ml 7.875 ग्राम पर लीटर एसिड रिक्वायर्स 25 ml NaOH. 20 ml है यहां पर, कितना है 20 ml है, और क्या इसका ग्राम पर लीटर कितना है 7.875 ग्राम पर लीटर एसिड है. इसकी रिएक्शन होती किससे है, इसकी रिएक्शन होती है 25 ml N/10 NaOH से. 25 ml N/10 NaOH से रिएक्शन होती है. MeQ इक्वल कर दो यार, MeQ इक्वल कर दो, तो 20 × 7.875 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड. अरे नॉर्मलिटी निकालेंगे कैसे, ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास 25 × 1/10 आ गया, आ गया, कहीं कोई परेशानी नहीं है. 76 ये था, और 76 के बाद 77 पर चलते हैं कि 77 क्या कहता है. 0.18 ग्राम ऑफ मेटल डिसॉल्व इन 50 ml नॉर्मल H2SO4. 0.18 ग्राम है, 0.18 ग्राम ये आपके पास मेटल है, इसको उठा करके डिसॉल्व किया गया H2SO4 में 50 ml नॉर्मल H2SO4, 50 ml नॉर्मल H2SO4 में डिसॉल्व कर दिया. लो भाई आगे क्या है, एंड सॉल्यूशन मेड अप टू 500 ml, सॉल्यूशन जो भी आया उसको 500 ml कर लिया गया. अब आगे क्या कहता है, 500 ml करने के बाद फिर 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 20 ml केवल इसमें से 20 ml निकाला गया, और अब इसका टाइट्रेशन जो है वो किससे कराया जा रहा है,
14 ml n by 10 NaOH है और इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं किससे, 14 ml से। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट करना है भाई। NaOH का आना इस बात को बताता है कि ये एक्सेस था। तो आप कह सकते हो मेटल की रिएक्शन हो रही है H2SO4 से, लेकिन H2SO4 जो है वो एक्सेस है। तो MeQ ऑफ मेटल इज इक्वल टू MeQ ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर मेटल। इसका मास 0.18 इंटू 1000 ले लो, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास m ले लो, ये MeQ ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर मेटल। टोटल MeQ कितने थे, टोटल MeQ ऑफ H2SO4 कितना है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 50 इंटू 1 हो गए। तो अब रिमेन MeQ ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 50 माइनस ये जो यूज हो चुके हैं 180 अपॉन ई आ गया। अब जो रिमेन H2SO4 है इसको पानी में डाला जा रहा है और 500 ml सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। तो अब बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, तो 50 E माइनस 180 डिवाइडेड बाई E, ये बिफोर आफ्टर कितना हो गया, 500 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट H2SO4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ये कितना आएगा, 50 E माइनस 180 डिवाइडेड बाई 500 E। अब क्या होता है, डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन NaOH से हो रही है, बस डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन NaOH से करा दो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। डाइल्यूट की रिएक्शन आप करा दो, क्वेश्चन सोल्व होने में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हो गया। डाइल्यूट H2SO4 इसकी रिएक्शन हो रही किससे, NaOH से, MeQ इक्वल कर दो, नॉर्मलिटी कितनी है 50E माइनस 180 डिवाइडेड बाय 500E, ये आग पास आ जाएगा, ये आपकी नॉर्मलिटी। वॉल्यूम कितना लगा 20, 14 इंटू 1 बाय 10 इसका हो गया, E की वैल्यू आ गई, कहीं कोई परेशानी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। 78 पर चलते हैं कि 78 क्या कहता है, 78 में भी बहुत ही इजीली आप टैकल करेंगे 2.65 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड का मतलब है जिसके लिए रिएक्शन फैक्टर 2 है, या फिर डाइबेसिक एसिड का मतलब है जिसके लिए आयोनाइजेबल एच 2 है, तो 2.65 ग्राम, यहां पर 2.65 ग्राम डाइबेसिक एसिड, DBA डाइबेसिक एसिड, इसके रिएक्शन किससे करा रहे हैं, डिजॉल्व इन वाटर एंड सोल्यूशन मेड अप टू 500 ml, 500 ml सोल्यूशन बना लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 500 ml सोल्यूशन बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, केवल 20 ml निकाले, केवल 20 ml निकाले, फालतू नहीं, 500 बनाया तो था लेकिन निकाले केवल 20 ml, 12 ml एन बाई, ये डाइबेसिक बेस है, मैं लिख दूं डाई एसिडिक बेस होगा, ये गलती हो गई, डाई एसिडिक बेस होगा, 2.65 ग्राम ऑफ डाई एसिडिक बेस,
इट डिजॉल्व इन वाटर एंड सोल्यूशन में 50 to 500 ml, 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर 12 ml एन बाई सिक्स, 12 ml और कितना n बाई सिक्स HCl। अब आपको इसकी इक्विवेलेंट मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, कहीं कोई दूर से दूर तक परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। डाई एसिडिक बेस की आप सबसे पहले नॉर्मलिटी निकाल लो, नॉर्मलिटी ऑफ डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस मास 2.65 अपॉन इक्विवेलेंट मास ई ऑफ डाई एसिडिक बेस इंटू 500 इंटू 1000, ये 2 आ गया, तो 2 × 6 2.65 डिवाइडेड बाई ई ऑफ डाई एसिडिक बेस। अब आगे क्या किया, डाई एसिडिक बेस इसकी रिएक्शन कराई जा रही है HCl से, MeQ इक्वल होंगे, तो 2 × 2.65 डिवाइडेड बाई ई ऑफ डाई एसिडिक बेस, ये आपकी नॉर्मलिटी है, वॉल्यूम 20 है, 12 × 1/6 आ गया। डाई एसिडिक बेस के लिए इक्विवेलेंट मास आ गया। अब डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक का मतलब रिएक्शन फैक्टर 2 है, इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल 2 OH को जनरेट करता है। अगर आप मोलर मास ऑफ डाई एसिडिक बेस लेंगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ डाई एसिडिक बेस इंटू 2 हो जाएगा, बस रिएक्शन फैक्टर। अरे यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाई एसिडिक बेस है, NaOH मोनो एसिडिक बेस है। अब आगे चलेंगे 79 पर, 79 क्या कहता है, 79 पर चलते हैं कि 79 क्या कहता है। 79 में 1.575 ग्राम क्या ले लिया है, अननोन एसिड। ये अननोन एसिड है, कुछ नहीं पता है कि कौन सा एसिड है, अननोन एसिड है, और इस अननोन एसिड का 1.575 ग्राम लिया और इसे 200 ml पानी वगैरह में डाल करके सॉल्यूशन बना लिया, 250 होगा भाई, 250 ml होगा, श्योर है। अब क्या किया, 16 ml ऑफ n by 10 अल्कली सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसमें से अब केवल 20 ml निकाला गया, केवल 20 ml, और केवल 20 ml 16 ml n by 8 अल्कली, 16 ml n by 8 अल्कली सॉल्यूशन से रिएक्शन कराई गई। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट, इफ एसिड इज डाइवेलेंट फाइंड मॉलिक्यूलर वेट, ये सब है, ठीक है भाई। यहां पर नॉर्मलिटी ऑफ एसिड निकाल लो, क्या हो जाएगा, 1.575 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 250 इंटू 1000, तो ये 4 × 1.575 अपॉन ई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसिड की रिएक्शन किससे हो रही है, एल्कली से हो रही है, MeQ इक्वल होंगे, तो 4 × 1.575 अपॉन ई, ये इक्विवेलेंट वेट इसका कितना लगा, 20 ml लगा, 16 ml एल्कली के यूज हो रहे हैं, 8 इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब जब इक्विवेलेंट वेट आ गया, कह रहा है कि जो एसिड है उसके लिए रिएक्शन फैक्टर 2 है, रिएक्शन फैक्टर 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट के बाद फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड ये आ जाएगा 2 × E, क्यों, क्योंकि रिएक्शन फैक्टर उसके लिए गिवन है कितना भाई 2। 80 पर चलते हैं,
9.8 ग्राम ऑफ पेरस साल्ट रिक्वायर्स 200 ml ऑफ KMO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। 9.8 ग्राम, 80 पर चलते हैं, 80 पर 9.8 ग्राम पेरस साल्ट है, क्या है, कुछ नहीं पता है। 9.8 ग्राम फेरस सॉल्ट है। फेरस सॉल्ट इस तरह से है, इसकी रिएक्शन हो रही है किससे हो रही है, 200 ml KMnO4 से हो रही है, 200 ml KMnO4 से हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों। तो इसका मास मिलीग्राम में अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इसकी वॉल्यूम और ये आपके पास नॉर्मलिटी, यहां से नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 आ जाती है। अब क्या कह रहा है, 20 ml ऑफ दिस KMnO4 रिक्वायर्स 25 ml 6.3 ग्राम पर लीटर ऑक्सैलिक एसिड। 20 ml ऑफ सेम KMnO4 रिक्वायर्स 20 ml ऑफ सेम KMnO4 रिक्वायर्स व्हाट, 25 ml 6.3 ग्राम पर लीटर ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कोई दिक्कत नहीं है, 20 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 यहां से निकाल के रखेंगे ना, 25 इंटू 6.3 अपॉन 63, अरे ये इक्विवेलेंट मास होता है ना ऑक्सैलिक एसिड का, यहां से नॉर्मलिटी निकलेगी, यहां पुट होगी, E की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 80 तक फिनिश। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।